वेलकम ऑन ऑनलाइन क्लास ऑफ प्रयाग पब्लिक स्कूल. टुडे आई एम हेयर विद इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ऑफ क्लास फोर्थ एंड टुडे आई एम हेयर विद द टॉपिक ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स, ओके. व्हाट इज द टॉपिक टुडे? ट्रैफिक रूल्स. नो अबाउट ट्रैफिक रूल्स. वी रेगुलरली विजिट इन रोड्स ना. We regularly visit in outside at the road. We should know how should we walk, how should we drive, okay? We should know about traffic rules. Why? For the safety. For the safety purpose, to avoid accidents, we should know traffic rules. That's why we can move properly in the, we can move safely in the, at the road. So that we should know traffic rules. Okay, beta? आप लोगों को आज का जो chapter है वो topic है know about traffic rules. आप traffic rules क्लास वन से पढ़ते चले आ रहे हो ना. हमको रोड में कैसे करके मूव करना है, कैसे करके ड्राइव करना है, उसके लिए हमारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना है चाहिए, जिससे कि हम क्या करें कि हम अच्छी तरह से सेफली ड्राइव कर सके, रोड में मूव कर सके. ओके, दैट्स व्हाई लेट्स टॉक अबाउट नो चैप्टर नंबर 8. यू ऑल ओपन योर पेज नंबर 39, चैप्टर नंबर 8. नो अबाउट ट्रैफिक रूल्स. नो अबाउट ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानना. ओके, देयर इज फादर एंड अ गर्ल मधु, हिज डॉटर मधु. देयर आर टू मेंबर, फादर एंड मधु. दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक रूल्स. लेट्स स्टार्ट नाउ. फादर, सो मधु, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? फादर इज आस्किंग फ्रॉम मधु, आस्किंग फ्रॉम हिज डॉटर. सो मधु, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मधु, तुम आज कैसा महसूस कर रही हो? मधु, पापा, इट इज़ गुड टू ऑन अ ड्राइव विद यू. पापा, मधु बोल रही है, पापा, इट इज़ गुड टू ऑन अ ड्राइव विद यू. मुझे आपके साथ ड्राइव करने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपके साथ ड्राइव में जाने में बहुत अच्छा लग रहा है. उसके फादर, आप बुक पे देख सकते हो क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं ना. फादर, मधु, डू यू सी दिस बोर्ड विद यू साइन? फादर इज टेलिंग मधु, डू यू सी दिस बोर्ड विद यू साइन? क्या तुमने यू साइन के साथ एक बोर्ड देखा? मधु, यस पापा, व्हाट इज दिस? व्हाई इज इट मेड हियर? मधु, यस पापा, व्हाट इज दिस? व्हाई इज इट मेड हियर? पापा, ये क्या है, ये यहाँ पे क्यों बना हुआ है? फादर, दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर द रोड्स. It is the sign for you turn. It means there is a sharp turn ahead. So slow down the speed. Father क्या बोल रहे हैं? यह सड़कों के लिए निर्देश है. यह यू टर्न चिन्ह है, इसका अर्थ है कि आगे क्या है, मोड़ है. आगे क्या है, मोड़ है. और इसीलिए अपनी गाड़ी को क्या कर लीजिए, धीमा कर लीजिए. ओके, टर्न आता है, अगर टर्न पे आप टर्न कर लोगे तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं ना. इसलिए मधु, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड. ओ, अब मैं समझी. पुलिसमैन, हे स्टॉप द कार. देयर इज अ पुलिसमैन. पुलिसमैन क्या, जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो लोग इंक्वायरी करते हैं ना. वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं ना. वो लोग क्या करते हैं, गार्ड होते हैं ना. वो लोग देखते हैं ना कैसे क्या चला रहे हैं. वो लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं. वो लोग ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं. ओके,
पुलिसमैन, हे स्टॉप द कार। पुलिसमैन ने बोला, कार को स्टॉप करिए मधु। व्हाट इज़ द मैटर फादर, व्हाट इज़ द मैटर फादर, फादर क्या मैटर है। पुलिसमैन, यू हैव ब्रोकन द ट्रैफिक रूल्स। पुलिसमैन ने क्या बोला, यू हैव ब्रोकन द ट्रैफिक रूल्स, आपने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 40। नो वी हैव नॉट, फादर ने बोला, हमने नहीं तोड़े। पुलिसमैन, यू शुड हैव स्टॉप्ड एट द रेड लाइट, सच नेगलिजेंस कॉज एक्सीडेंट्स। पुलिसमैन ने बोला, यू शुड हैव स्टॉप्ड एट द रेड लाइट, आपको रेड लाइट में क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए। सच नेगलिजेंस कॉजेज एक्सीडेंट्स, ऐसी जो लापरवाही है वो दुर्घटना का कारण बन सकती है। फादर, ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द सिग्नल। फादर ने बोला, ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द सिग्नल, मैंने सिग्नल पे ध्यान नहीं दिया। मधु, वुड यू प्लीज़ एक्सक्यूज अस दिस टाइम। मधु ने बोला कि क्या आप मुझे इस समय क्षमा, इस बार माफ़ करेंगे, कर देंगे। पुलिसमैन, ओके दिस टाइम यू आर पर्डन बट बी केयरफुल इन फ्यूचर। पर्डन मीन्स क्या होता है बेटा, माफ़ करना, ठीक है। ओके दिस टाइम यू आर पर्डन, मैंने इस बार आपको माफ़ किया, बट बी केयरफुल इन फ्यूचर, लेकिन आगे भविष्य में सावधान रहिएगा। फादर, श्योर थैंक यू। फादर ने बोला, निश्चित ही, धन्यवाद। मधु, व्हाट इज़ दिस रेड सिग्नल पापा। मधु ने पूछा, व्हाट इज़ दिस रेड सिग्नल पापा, पापा ये रेड सिग्नल क्या है। फादर, एवरी क्रॉसिंग हैज़ थ्री सिग्नल्स, रेड ग्रीन एंड येलो। फादर ने बोला, हर क्रॉसिंग पे, जो रोड क्रॉसिंग होती है वहाँ पे तीन सिग्नल्स होते हैं, रेड ग्रीन एंड येलो। मधु, व्हाट आर दीज फोर, वो किस लिए है, मधु ने पूछा। फादर, रेड सिग्नल मीन्स स्टॉप, येलो सिग्नल मीन्स प्रिपेयर टू गो, एंड ग्रीन सिग्नल मीन्स टू गो। रेड सिग्नल स्टॉप, रेड सिग्नल का मतलब होता है रुक जाइए, ओके। येलो सिग्नल मीन्स प्रिपेयर, आप जाने के लिए तैयार हो जाइए, और नेक्स्ट जब ग्रीन हो जाता है सिग्नल, यू कैन गो, यानी आप जा सकते हो। मधु, पेज नंबर 41 नाउ। मधु, दैट्स वाई एवरी क्रॉसिंग हैज़ पोल विद दीज कलर्ड लाइट्स, सॉ इट फर्स्ट। मधु, दैट्स वाई, ऐसा क्यों, एवरी क्रॉसिंग हैज़ पोल, हर क्रॉसिंग में पोल होता है, विद दीज कलर्ड लाइट्स, आई सॉ इट फर्स्ट, मैंने पहली बार देखा है कि हर पोल पे कलरफुल लाइट्स लगे हुए हैं। फादर, नाउ वी अवेयर ऑफ इट, अब आगे, पिताजी, फादर ने बोला, अब आगे ध्यान रखना। मधु, यस पापा आई वुड, वाई इज दिस कार ड्रॉन ऑन द सिग्नल बोर्ड। चिप, यस फादर, मैं ध्यान रखूंगी कि ये गाड़ी का चिन्ह क्यों बना हुआ है। फादर, दिस मीन्स that there is a parking place for your vehicle. इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके वाहन के लिए पार्किंग बनी हुई है, ओके। मधु, I have seen many such boards. मैंने ऐसे बहुत से boards देखे हुए हैं, ओके, डन। तो टुडे यू रीड अबाउट ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक rules, okay. Now what is your homework, you will write down on your homework copy traffic rules, what precautions we should take on the road at the time of driving. आपको आज ये लिखना है कि हमें गाड़ी चलाते समय क्या क्या सावधानियों का रोड में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप इसको at least आप 10 सेंटेंसेस में लिख के मुझे सेंड करोगे, ओके। क्या लिखोगे कि जब हम रास्ते में होते हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं रोड में, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिस इज़ योर होमवर्क, ओके।
तो हैव अ गुड डे।